बड़ी खबर यमुनानगर से सामने आई है। बता दें आपको, अवैध खनन के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की छापेमारी हुई है। यमुनानगर में अवैध खनन के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, नगली एरिया में स्थित स्टोन क्रेशर पर छापेमारी की गई है। बिना ई खाना के माल सप्लाई करने की सूचना मिली थी। मौके पर जांच के दौरान अवैध स्टॉक भी पाया गया है। यमुनानगर का यह मामला है जहां पर अवैध खनन के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की छापेमारी और नगली एरिया में स्थित स्टोन क्रेशर पर यह छापेमारी जो है वो की गई है। काफी मात्रा में जो माल है वो भी बरामद किया गया है। मौके पर जांच के दौरान अवैध स्टॉक भी पाया गया है। काफी मात्रा में अवैध स्टॉक जो है वो पाया गया है। अब इनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर का ये मामला है। अवैध खनन अभी भी धड़ल्ले से जारी है। अवैध खनन पर कितनी भी लगाम लगाने के प्रयास किए जाएं, बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। वहीं जब सीएम फ्लाइंग की ये जांच हुई, छापेमारी हुई, तो उसमें बड़ा खुलासा हुआ। काफी सारा अवैध स्टॉक भी मौके पर जांच के दौरान पाया गया है। जानकारी देने के लिए यमुनानगर से मेरे सहयोगी सुनील कुमार मेरे साथ जुड़े हैं। सुनील, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ? जी देखिए, सीएम फ्लाइंग को काफी समय सूचना मिल रही थी कि नगली एरिया में अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है और वहां पर फर्जी रवाना के जरिए जो है माइनिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते जो है कल बीती रात जो है सीएम फ्लाइंग की टीम माइनिंग विभाग को साथ लेकर और पुलिस को साथ लेकर उस एरिया में पहुंची थी जहां पर आरआर स्टोन क्रशर नामक स्टोन क्रशर पर जो है कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सीएम फ्लाइंग अधिकारियों ने बताया है कि मौके पर जो है अवैध तरीके का स्टॉक मिला है और भारी मात्रा में, और इसके अलावा जो है फर्जी ई रवाना के जरिए जो है गाड़ियां निकाली जा रही थी, जिससे जो है सरकार को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा था, राजस्व को, जिसके चलते जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए कहा गया है माइनिंग विभाग को। हालांकि इस दौरान जो है सीएम फ्लाइंग ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पॉल्यूशन विभाग और बिजली विभाग को भी मौके पर बुलाया गया था, लेकिन वो दोनों विभाग जो है मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जी ठीक है, अब आगे क्या इनसे पूछताछ होगी? और कहीं ना कहीं सुनील, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है, भले ही कितनी कोशिश की जाए अवैध खनन पर लगाम लगाने की, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो उससे पता चलता है कि अभी भी धड़ल्ले से इस तरह के अवैध काम जो है वो किए जा रहे हैं। नगर में जो है बड़े स्तर पर खनन का काम होता है, लीगल जो माइनिंग होती है उसकी आड़ में कहीं ना कहीं अवैध माइनिंग को भी अंजाम दिया जाता रहता है। इसके लिए जो है टास्क फोर्स भी बनाई गई है और माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके बावजूद भी खनन माफिया कहीं ना कहीं रात का अंधेरा हो या दिन के उजाले में भी कहीं ना कहीं बचकर जो है अवैध गतिविधियों को अंजाम देता रहता है और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये जो है बाज नहीं आते। फिलहाल जो है नगली में जिस तरह से आरआर स्टोन क्रशर पर जो है कार्रवाई की गई है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो इस तरह का एरिया है जहां पर अवैध माइनिंग हो रही है, अब सीएम फ्लाइंग के निशाने पर भी आ चुका है और इस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सीएम फ्लाइंग यहां पर सख्ती से जांच करती है। छापेमारी के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है, अब इन पर एक्शन भी लिया जाएगा।